नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनर उमेद सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने स्विस चार्ड के हार्वेस्टिंग करेंगे। इसके पत्तों का जो साइज़ है वो भी आपको दिखाएंगे और इसमें क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है उगाने में वो सब आपको बताएंगे। इसका बीज मैंने ओमेक से लिया था, पहले भी मैं एक इसकी वीडियो बना के डाल चुका हूँ जब ये छोटा था, लेकिन अभी इसकी हार्वेस्टिंग हम हर दूसरे तीसरे दिन कर रहे हैं रेगुलर, और अभी मैं आपको हार्वेस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखिए ये पत्ते का साइज है, आप ये देखिए क्या ज़बरदस्त साइज है। ये हम बिल्कुल नीचे से तोड़ लेते हैं पत्ते इसके, ये देखिए साइज इसका ज़बरदस्त, ये देखिए ये वाइट, ये हमारा ग्रीन है, ये देखिए इसकी जो डंडी है वो वाइट है, ये ग्रीन है, ग्रीन भी अपने आप में कम नहीं है, इसके भी साइज काफ़ी बड़े हैं। अभी हम येलो की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं साथ साथ, जो भी ये मैंने चार ड्रम के अंदर अलग अलग लगा रखे हैं चार वैरायटी, लेकिन अभी इसकी हार्वेस्टिंग में सब की इकट्ठी करूँगा। बहुत ही कलरफुल हार्वेस्टिंग होने जा रही है आज, ये देखिए इसका स्टेम देख के ही दिल खुश हो जाता है। और ये बहुत पौष्टिक है, लंबे टाइम तक ये हार्वेस्टिंग चलती रहती है इसकी। आप इसके पत्ते साइड से तोड़ लें और नए फुटाव आते रहेंगे, ये देखिए इस तरह से आप इसकी हार्वेस्टिंग करते रहें। अभी थोड़ा सा रेड तोड़ लेते हैं, ये भी ज़बरदस्त है, ये देखिए इसका कलर एकदम चटक लाल है, ये देखिए दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप इसको पनीर के साथ बढ़ा सकते हो, साग में डाल सकते हो, किसी भी सब्जी में मिक्स कर सकते हो, इसका सूप बना सकते हो। स्मूदी वगैरह बनानी हो तो वो भी बना सकते हो, और आजकल तो बहुत सारी रेसिपी आपको यूट्यूब या गूगल पे मिल जाएंगी, आप जितना चाहें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हो इनके अंदर। ये देखिए एकदम ज़बरदस्त है, और ठंड का इनके ऊपर कोई असर नहीं होता, इनकी हार्वेस्टिंग कंटिन्यू आप कर सकते हो। ये अक्टूबर से लेके जून जुलाई तक बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। हर सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है ये, और लगाना बहुत ही आसान है। इसका बीज भी बिल्कुल पालक के जैसा ही होता है, जैसे पालक लगाई जाती है वैसे ही इसकी सीड सोइंग की जाती है। साइज थोड़ा सा पालक से बड़ा होता है इसका, ये देखिए इसका बीज ओमेक्स पे मिल जाएगा आपको, देखिए फिर से वाइट आ गया है। आप इसको चाहें तो सलाद में यूज कर सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हो आप इसको, जूस में भी डाल सकते हो, बहुत सारे यूजेज हैं दोस्तों इसके।
लेकिन ये है कि आप जितना इसको काटते रहोगे उतना ही ये फुटाव देता रहेगा, उतना ही ज़्यादा ग्रोथ इसकी होती रहेगी। ये देखिए इसके जो डंडी है पूरी चौड़ाई में एकदम से, इसको एक बार मिट्टी में डालने के बाद खाद वगैरह बार बार नहीं देना पड़ता। आप इसको जितना काटोगे उतना ही ये और ज़्यादा उभर के आएगा और बारिशों तक ये आपको क्रॉप देगा अच्छी। बारिश के टाइम में आपको थोड़ा सा अगर सावधानी बरतेंगे, इसका ध्यान रख लेंगे, थोड़ा ग्रीन नेट वगैरह लगा दें तो ये और लंबे टाइम तक चल सकता है। ये देखिए ये हार्वेस्टिंग करके दिल खुश हो जाता है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका कलर एकदम अलग होता है। अगर आप लगाना चाहते हो तो इसको 15 फरवरी के बाद फिर से आप लगाना शुरू कर सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ा सा सर्दी ज़्यादा है तो इस टाइम बीज उगाने में दिक्कत हो सकती है। अगर टेम्परेचर ठीक हो आपके एरिया में तो आप इसको आसानी से उगा सकते हो। ये देखिए साइज़ देखिए आप इसका, 4 पत्ते एक आदमी के लिए सफिशियंट है। बाकी इसकी हार्वेस्टिंग मैं करता रहूँगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।